हेलो गाइस, वेलकम टू होमो कोचिंग। और आप सबको पता है ना कि एसएससी जेईई ने अभी अपना एग्ज़ाम की जो डेट है उसको रिवाइज़ किया है, और आपका एग्ज़ाम अभी जो शेड्यूल था सितंबर में वो अब होगा अक्टूबर में। ठीक है, तो अभी वो भी टेंटेटिव है बच्चे, अभी वो भी कंफर्म नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है। अभी कोरोना वायरस की बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है कि इस कंडीशन में एग्ज़ाम क्या कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एग्जाम एग्जाम बहुत छोटी चीज़ है। यूपीएससी का इंटरव्यू शिफ्ट हो जा रहा है, तो एसएससी जेई की कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, तो फिर भी आपके आपको बहुत सारा समय मिल गया है, 1 महीने कम से कम आपको एक्स्ट्रा मिल गए, तो आप तैयारी करिए, अपने टाइम का यूटिलाइज करिए। 500 से 600 क्वेश्चन डेली लगाइए, डेली बेस पे घड़ी स्टॉप वॉच ऑन करके जब 5 से 6 घंटे रोज पढ़ाई करिए। अनस्टॉल करिए अपने सारे अननेसेसरी एप्लीकेशन को, सोशल मीडिया से दूर रहिए और डेली बेस पे क्वेश्चन लगाते रहिए। यही आपके सफलता का मूल मंत्र है। चलिए, हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है आईसी इंजन। और मैं आपको बताऊं, मैंने आईसी इंजन ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स करा दी है काम भर की। तो मैंने सोचा कि थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन क्या है, आईसी इंजन, हीट से वर्क में कन्वर्ट करना थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन कन्वर्ट कहाँ पे करोगे, हवा में? नहीं, किसी इंजन में। तो कौन से इंजन में, इसलिए हम पढ़ते हैं आईसी इंजन। ठीक है, तो आईसी इंजन का हमने क्रैश कोर्स इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो, तो आपको कुछ बेसिक जानकारी होगी। और अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज, जो बच्चे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको नहीं आती तो एक बार थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर होमवर्क कोचिंग के चैनल पे देखिए, ताकि आपको चीजें प्रॉपरली क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। अब मैं आपको बताऊं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स जो भी हैं आप सुने होंगे, आईसी इंजन में हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल 3 तरीके के पढ़ते हैं। कौन कौन से बच्चे? पहला ऑटो साइकिल, दूसरा डीजल साइकिल और तीसरा डुअल साइकिल। क्या पढ़ते हैं? डुअल साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल। अब बच्चे पूछते हैं कि सर, एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब क्या है? एयर स्टैंडर्ड साइकिल मतलब ऐसी साइकिल जिनमें स्टैंडर्ड फ्लूड एयर यूज होता है, ऐसी साइकिल जिनमें स्टैंडर्ड फ्लूड एयर यूज होता है, या जिनमें वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? एयर। क्या होता है? एयर, इसीलिए इसको बोलते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल। और एक बात ध्यान रहे कि ये जितनी भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हम पढ़ेंगे, ये सारी की सारी कैसी होंगी? रिवर्सिबल साइकिल। मतलब आप चाहे ऑटो पढ़ लो, चाहे डीजल पढ़ लो, चाहे डुअल पढ़ लो, ये सारी साइकिल्स कैसी होंगी बच्चे? रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल का मतलब क्या है? इसमें जितने प्रोसेस होंगे कैसे होंगे? रिवर्सिबल। कैसे होंगे? रिवर्सिबल। कोई भी साइकिल रिवर्सिबल कब होती है? जब उसके सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हो, अदरवाइज वो साइकिल इरिवर्सिबल हो जाती है। समझ आ रहा है या राम कथा सुन रहे हो? समझ आ रहा है? चलो, तो हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो होगा ऑटो साइकिल। क्या होगा? ऑटो साइकिल। और ऑटो साइकिल को ऑटो साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका इन्वेंशन ऑटो हॉर्न ने किया था, तो उन्हीं के नाम पे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑटो हॉर्न सर के नाम पे, इसका नाम क्या है? ऑटो साइकिल। कैसी साइकिल है? रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, अब ऑटो इसको नोट कर लीजिए। और इस साइकिल को शुरू करने से पहले मैं आपको 10 मिनट की बेसिक जानकारी दे दूं, जो कि आपके बहुत काम आएगी। चलिए, तो ऑटो साइकिल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम शुरू करने क्या जा रहे हैं? ऑटो साइकिल। क्या शुरू करने जा रहे हैं? ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल आप सुने होंगे, ऑटो साइकिल किस में यूज होती है? ऑटो में? नहीं, ऑटो में नहीं यूज होती। उसका नाम ऑटो हॉर्न के नाम पे है, इसलिए उसका नाम ऑटो साइकिल है। यूज होती है पेट्रोल इंजन में, समझिए। उसके पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे दूं, एक बेसिक नॉलेज दे दूं आपको। वो बेसिक नॉलेज किसका है? कंप्रेशन रेशियो। क्या है बच्चे? कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, ध्यान से समझिए। इसको दिखाते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, देखिए होता क्या एक्चुअली, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई सिलेंडर है। अब सिलेंडर चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या लगा है? एक बहुत प्यारा सा पिस्टन। अब ध्यान से समझिए, बहुत प्यारा सा पिस्टन लगा है। मैंने आपको बताया था कि पिस्टन की औकात नहीं कि ये दो बैरियर पार कर ले। एक बैरियर यहां होता है, एक बैरियर यहां होता है। इस बैरियर को क्या बोलते हैं? आउटर डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर। आउटर डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर, दोनों एक ही नाम है। इस बैरियर को क्या बोलते हैं बच्चे?
टीडीसी टॉप डेड सेंटर या इनर डेड सेंटर। और मैंने आपसे बताया था टॉप डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर के बीच का जो वॉल्यूम है इसे क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। और यहां से लेकर सिलेंडर हेड के बीच का जो वॉल्यूम है इसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट नंबर वन है, पॉइंट नंबर वन है, ये पॉइंट नंबर टू है। तो अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम एट पॉइंट नंबर टू कितना होगा, तो बोलोगे वीसी। मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम एट पॉइंट नंबर वन कितना होगा, अब बोलोगे सर वीएस प्लस वीसी। वन पे वॉल्यूम देखिए टोटल वॉल्यूम होगा, वी टू पे वॉल्यूम छोटा वाला वॉल्यूम। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कंप्रेशन रेशियो आर क्या होगा, तो क्या होता है वीएस प्लस वीसी टोटल वॉल्यूम वीएस प्लस वीसी बाय छोटा वाला वॉल्यूम। VS plus VC by VC को बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो, टोटल वॉल्यूम अपॉन छोटा वाला वॉल्यूम। अब VS plus VC क्या होगा, VS plus VC is equal to volume at 1, VC is equal to volume at 2। ठीक है, तो R को आप V1 by V2 भी लिख सकते हो, VS plus VC by VC भी लिख सकते हो। अच्छा समझिए एक चीज समझिए, एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं एक। जैसे अगर कंप्रेशन रेशियो दिया है 10, ऑटो साइकिल जो होती है पेट्रोल इंजन उनका जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो होता है 6 से लेके 10 तक। मान लीजिए 10 है, अब कंप्रेशन रेशियो 10 है इसका मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन रेशियो 10 है मतलब VS plus VC by VC is equal to 10, इसका मतलब VS is equal to 9 VC, यही हो जाएगा ना, VS plus VC is equal to 10 VC, एक VC इधर चला गया 9 VC। इसका मतलब जो आपका स्वेप्ट वॉल्यूम है, स्वेप्ट वॉल्यूम है वो 9 गुना है किसका, क्लियरेंस वॉल्यूम का। आपका स्वेप्ट वॉल्यूम 9 गुना है किसका, क्लियरेंस वॉल्यूम का। क्लियर है, ये होता है कंप्रेशन रेशियो का मतलब। अब मतलब आप कितना कंप्रेस कर सकते हो, कितना कंप्रेस कर सकते हो। चलिए ये रहा आपका बेसिक नॉलेज, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं ऑटो साइकिल। और आपको याद होगा दो तीन इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था एडियाबेटिक प्रोसेस किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। तो मैंने आपको दो तीन इक्वेशंस बताई थी और मैंने आपसे ये भी कहा था कि बच्चे इन इक्वेशंस को याद रखना, आपका आईसी इंजन में भी काम आएगा और पावर प्लांट में भी काम आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा, आरएसी में भी काम आएगा, हर जगह आपकी ये इक्वेशन काम आने वाली है। एडियाबेटिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैंने आपको दो तीन बताई थी। पहली इक्वेशन क्या बताई थी, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, पी वन वी वन टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू टू द पावर गामा। दूसरी क्वेश्चन क्या बताई थी, टी वन वी वन टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू टू द पावर गामा माइनस वन। अगर सॉरी अगर आपको ये क्वेश्चन याद ना हो तो आप मेरे थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है, और देख के ही आइए तो ज्यादा बेटर होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या थी, टी टू बाय टी वन इज इक्वल टू पी टू बाय पी वन टू द पावर गामा माइनस वन बाय गामा। ये तीन इक्वेशंस अगर फिर से मैं आपको बता दूं, जिंदगी में अगर आप मैकेनिकल पढ़ रहे हो तो ये तीन इक्वेशंस कभी भी जिंदगी में मत भूलना, कभी भी जिंदगी में मत भूलना। जब भी आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम दिया होगा ये रिलेशन, टेम्परेचर वॉल्यूम दिया होगा ये रिलेशन, टेम्परेचर प्रेशर दिया होगा ये रिलेशन, ठीक है। सॉरी, चलिए इतनी जानकारी के साथ भगवान राम का नाम लेते हुए, राधे माँ का नाम लेते हुए शुरू करते हैं ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल का मतलब रिवर्सिबल साइकिल, ऑटो साइकिल का मतलब रिवर्सिबल साइकिल। इसका एक और नाम है क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल का मतलब किसमें जो हीट एडिशन होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। इसका मतलब जो हीट एडिशन होगा वो किस पे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हीट एडिशन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ तो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, हीट एडिशन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ बच्चे तो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल डीजल इंजन, और अगर हीट एडिशन दोनों पे हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर दोनों पे हुआ तो क्या बोलेंगे, ड्यूअल साइकिल या सेमी डीजल साइकिल। देखेंगे आराम से इत्मीनान से मजेदार तरीके से, फिलहाल देखते रहिए और समझते रहिए, इतना डिटेल में मत जाइए, जितना डिटेल आपको जरूरत पड़ेगी उतना डिटेल मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको एसएससी जे का एग्जाम एक बार दे लो, आईसी इंजन में आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा डिटेल में, आप पूरा आईसी इंजन के मास्टर बन जाओगे, आपको लगेगा आपके सामने कि इंजन और पिस्टन दोनों नाच रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए।
आपका काम क्या है, डेली बेस पे क्वेश्चन लगाना और इस बात को मत छोड़ना, क्लियर। चलिए अब ऑटो साइकिल शुरू करते हैं। ऑटो साइकिल में आपको दो चीज पढ़नी है, एक पीवी डायग्राम और एक टीएस डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि ये ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम ड्रॉ कैसे होगा। हाँ, अगर आप ये लिख लिए हो तो मैं इसको हटा दूं, अननेसेसरी जगह लेगा ये। इक्वेशंस याद रहे बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑटो साइकिल का पीवी प्लॉट मैं आपको दिखा दूं। चलिए, जो एग्जाम में आएगा सबसे ज्यादा यही आता है। अब ये पीवी प्लॉट ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे दूं। जब भी कोई पीवी प्लॉट ड्रॉ करो किसी भी चीज़ का, तो नीचे उस डिवाइस का अरेंजमेंट बना लो जिस डिवाइस के लिए आप पीवी प्लॉट ड्रॉ कर रहे हो। किसके लिए ड्रॉ कर रहे हो? पेट्रोल इंजन। ऑटो साइकिल पे क्या बनता है? पेट्रोल इंजन। ऑटो साइकिल पे बेस्ड क्या है? पेट्रोल इंजन। तो मैं ऑटो साइकिल मतलब एक बेसिक पेट्रोल इंजन का, फोर स्ट्रोक इंजन का मैं आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या है? इनर डेड सेंटर। यहाँ पे क्या है? आउटर डेड सेंटर। ये ओडीसी है या बीडीसी है? ये इनर डेड सेंटर है या टॉप डेड सेंटर है? अगर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है तो आईडीसी, ओडीसी, अगर वर्टिकल सिलेंडर है तो टीडीसी और बीडीसी। आपको इतना पता होगा कि पिस्टन चाहे कितना भी घूम ले, यहाँ से यहीं तक घूम सकता है, बीडीसी से टीडीसी, इसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके आगे जो वॉल्यूम है वो कौन सा वॉल्यूम है? क्लियरेंस वॉल्यूम है। कितना क्लियर है? अब ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सर आ चुका है, आपने बाइक को किक किया। जब आपने बाइक को, देखिए होता क्या, एक्चुअली शुरू में पिस्टन कहाँ है, मान लीजिए यहाँ पे है। अब आपने बाइक को किक किया, जब बाइक को किक किया तो क्रैंक शाफ्ट घूमी, क्रैंक घूमा, कनेक्टिंग रॉड घूमी, पिस्टन घूमा। जब पिस्टन घूमा तो पिस्टन यहाँ से नीचे गया, अंदर सक्शन क्रिएट हुआ, प्रेशर कम हुआ, और बाहर जो एयर फ्यूल मिक्सचर कार्बोरेटर में इकट्ठा हुआ है उसका प्रेशर ज्यादा है। आपने किक किया, पिस्टन मूव किया, अंदर सक्शन क्रिएट हुआ, तो वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर अपने आप अंदर आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सर अंदर आ चुका है, और जब अंदर आ जाएगा, पिस्टन सक कर लिया उसको, पिस्टन कहाँ पहुंच जाएगा? बॉटम डेड सेंटर पे, ठीक है। बॉटम डेड सेंटर बोलूं चाहे आउटर डेड सेंटर बोलूं, बच्चे दोनों एक ही बात होती है। चलिए, तो मान लीजिए ये पोजिशन नंबर वन है, और पोजिशन नंबर वन पे पिस्टन है, मतलब सक्शन हो चुका है, कंप्रेशन होने की तैयारी है, क्लियर है। अच्छा, बच्चे पूछते हैं कि सर जब सक्शन हो जाता है तो कंप्रेशन में पिस्टन अपने आप ऊपर कैसे जाता है? आपने बाइक को किक किया, पिस्टन नीचे आया, सक्शन हुआ, बिकॉज ऑफ इनर्शिया पिस्टन फिर से ऊपर जाता है और क्या क्रिएट करता है? कंप्रेशन। ये मैं आपको पूरा बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा फोर स्ट्रोक टू स्ट्रोक की वर्किंग, तब। अभी फिलहाल ये थ्योरेटिकल, ये इंट्रोडक्शन है, टेंशन ना लो, एकदम आराम से पढ़ो, इंट्रोडक्शन है, जस्ट इंट्रोडक्शन। थोड़ा बहुत अगर आप जानते होगे तो सही है, नहीं जानते हो कि मैं आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा, डोंट वरी। अभी शुरू करने दीजिए आईसी इंजन, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक। चलिए, तो पिस्टन वन पे है, कंप्रेशन करने को तैयार है। अच्छा, कंप्रेशन कैसा होगा? एडियाबेटिक। कैसा होगा? एडियाबेटिक। जितने भी हम कंप्रेशन पढ़ते हैं वो एडियाबेटिक पढ़ते हैं, एक्सपेंशन भी एडियाबेटिक ही पढ़ते हैं। अब आपको ये बताऊंगा ऐसा क्यों पढ़ते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा पावर प्लांट में, जब हम पावर प्लांट पढ़ेंगे कि सारे कंप्रेशन और सारे एक्सपेंशन हम एडियाबेटिक ही क्यों पढ़ते हैं, क्लियर है। चलिए, तो क्या होगा कि यहाँ पे पिस्टन तैयार है कंप्रेस करने के लिए। अब जब कंप्रेशन होगा, ध्यान से बताइए, जब भी कंप्रेशन होगा क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। और जब भी एक्सपेंशन होगा उल्टा, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। यही होता है जिंदगी में। आप एक्सपैंड अगर कर रहे हो, अगर जिंदगी में आप एक्सपेंशन करना चाहते हो तो तभी कर पाओगे जब प्रेशर आपके ऊपर कम हो, और तभी आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, तभी आपका क्षेत्र बढ़ेगा, तभी आपका विस्तार होगा। विस्तार मतलब वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब आप एक्सपेंड करोगे, और एक्सपेंड तभी करोगे जब प्रेशर डिक्रीज होगा। आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, लगे पड़े हो एग्जाम में, और मैडम का फोन आ गया कि जल्दी शादी करो, नहीं पापा कोई और रिश्ता देख रहे हैं। तुम जिंदगी भर एसएससी जेई में ही लगे रहोगे, पापा कोई और रिश्ता देख लेंगे। एसएससी जेई के बारे में जोक सुना है? एसएससी के बारे में सुनाता हूँ, बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। एसएससी जेई की जो तैयारी लड़के करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, उनकी स्टोरी क्या होती है? एक लड़का अपने दोस्त को बता रहा है, कह रहा है कि जब मैं क्लास सेकंड में था तब वो पैदा हुई, मैं फिफ्थ में गया वो सेकंड क्लास में गई,
मैं 10th में गया वो 7th में गई, मैं 12th में गया वो 9th में गई, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया वो 12th में गई, फिर मैंने एसएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया, मैंने एसएससी की तैयारी कर लिया, तैयारी करना शुरू किया वो ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट कर लिया, मैं एसएससी की तैयारी करता रहा उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, मैं एसएससी की तैयारी करता रहा उसने पीएचडी कर लिया, मैं एसएससी की तैयारी करता रहा उसने पीडीएफ कर लिया। अब रविवार को उसकी शादी है और रविवार को ही मेरा एसएससी का पेपर है, ठीक है। तो मतलब इतना लंबा नहीं खींचना है, ये तब होता है जब आप पढ़ते नहीं हो, जब आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। चलिए, तो पिस्टन क्या है, वन पे रुका है और पिस्टन वन से कहाँ तक जाएगा, टू तक। ये मान लीजिए पॉइंट वन है, पॉइंट टू है, पॉइंट वन टी डी सी, पॉइंट टू पॉइंट वन बी डी सी, पॉइंट टू टी डी सी। अब पिस्टन क्या करेगा, कंप्रेशन करेगा, इस गैस को कंप्रेस करते हुए जाएगा। जब पिस्टन कंप्रेशन करेगा बच्चे, तो कंप्रेशन कैसा होगा, एडियाबैटिक। कैसा कंप्रेशन होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब भी कंप्रेशन होगा, देखिए आपको प्रेशर इंक्रीज करना है ऊपर की तरफ, वॉल्यूम डिक्रीज करना है। ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है, आपको प्रेशर इंक्रीज करना है ऊपर की तरफ, वॉल्यूम डिक्रीज करना है इस तरफ, तो किस तरफ चलोगे, इस तरफ, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जब पिस्टन ने गैस को कंप्रेस किया, इतनी पूरा का पूरा एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस करते 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 इतने में आ गया। जब पिस्टन इसको कंप्रेस करेगा तो पूरा पूरा एक जो गैस है, एयर फ्यूल मिक्सचर है, वो कहाँ जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम में। जब क्लियरेंस वॉल्यूम में आ जाएगा, इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये पूरा का पूरा एयर फ्यूल मिक्सचर अब कहाँ आ गया बच्चे, क्लियरेंस वॉल्यूम में। जब क्लियरेंस वॉल्यूम में आ गया और उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो स्पार्क प्लग यही वेट कर रहा था, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, पूरा पूरा मिक्सचर क्लियरेंस वॉल्यूम में आया, स्पार्क प्लग ने क्या कर दिया, स्पार्किंग। ध्यान रहे कि जब पिस्टन टीडीसी तक आ जाएगा और बीडीसी पे फिर वापस जाएगा, एक बार टीडीसी पे आएगा तो बीडीसी पे वापस जाने में ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ ऊपर जाके तुरंत नीचे नहीं आ सकती बिना रुके, ठीक है। तो जब पिस्टन यहाँ पे इसको कंप्रेस करके टीडीसी पे आएगा, तो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रुकेगा और उसी में क्या करेगा, स्पार्क प्लग स्पार्किंग कर देगा। अब पिस्टन यहाँ पर रुका हुआ है, उस समय स्पार्किंग हुई है, उस समय हीट एडिशन हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एडिशन, क्योंकि पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ है, तो ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, कंप्रेस हो गया, स्पार्क प्लग ने स्पार्किंग करी और पिस्टन रुका हुआ है, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो गया, हीट का एडिशन। प्रोसेस 2 to 3, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो गया, हीट का एडिशन। जब हीट एडिशन हुआ तो गैस एक्सपैंड होगी, गैस जो एयर फ्यूल मिक्सर है वो जलेगा ना, जब जलेगा तो एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा तो पिस्टन को धकेलेगा। अब पिस्टन वापस टीडीसी से बीडीसी जाएगा। पॉइंट नंबर 3 to 4 क्या होगा, टीडीसी से बीडीसी जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। टीडीसी से बीडीसी जाएगा, पिस्टन एक्सपेंशन होगा, और हम पिस्टन जब मूव करेगा, क्रैंकशाफ्ट मूव करेगी, कनेक्टिंग रॉड मूव करेगी, और हम आराम से पावर लेके व्हील को मूव करा सकते हैं, इसीलिए इस स्ट्रोक को बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक। अब देखिए, जब यहाँ पे पिस्टन पहुंच जाएगा, एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा, पिस्टन बीडीसी पहुंच जाएगा, तो पिस्टन रुक जाएगा, रुक जाएगा मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। जब पिस्टन रुक जाएगा, अब ये जो गैसें अंदर बची हैं वो कैसी गैसें हैं, एग्जॉस्ट गैसें, क्योंकि हमको इनसे पावर मिल चुका है। कैसी गैस है, एग्जॉस्ट गैस। अब ध्यान से समझिए, जो एग्जॉस्ट गैस होगी उसका प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा है कंपेरिजन टू एटमोसफियर। तो जब अंदर का प्रेशर ज्यादा है, एटमोसफियर का प्रेशर कम है, तो एग्जॉस्ट वॉल्व अपने आप खुल जाएगा और गैस बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस डिस्चार्ज हो जाएगी। ध्यान रहे, जब भी हम फोर स्ट्रोक इंजन पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, जो हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसमें 80% से 90% गैसेस अपने आप डिस्चार्ज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, क्लियर। चलिए, तो एक्सपेंशन हो चुका है, पिस्टन यहाँ पहुंच गया, पिस्टन पहुंच के रुक जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस एग्जॉस्ट वॉल्व खुल जाएगा, यहाँ पे जो एग्जॉस्ट वॉल्व है वो खुल जाएगा और गैस बाहर डिस्चार्ज हो जाएंगी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या बोलेंगे बच्चे, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। ध्यान से समझते जाइए, या पढ़े होंगे बेसिकली, ये क्या है कंप्रेशन, और ये क्या है, ये क्या है, दिस इज हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लियर है। चलिए, अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं, यहां पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर आपसे कोई पूछे हीट एडिशन कितना हुआ, इस साइकिल में हीट एडिशन कितना हुआ, आप क्या बोलोगे, हीट एडिशन किस पे हो रहा है,
कांस्टेंट वॉल्यूम में, आपको पता है जब भी हीट एडिशन होता है, हीट ट्रांसफर की इक्वेशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो एम सी वी, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तो एम सी पी। हीट एडिशन क्या होता है, हीट ट्रांसफर की इक्वेशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है तो सी वी लिखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो सी पी लिखेंगे, बाकी इक्वेशन क्या होती है सेम। इतना आपको जानकारी तो होगी, बेसिक है, नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना हुआ है, देखिए एम सी वी डी टी, डी टी मतलब टी थ्री माइनस टी टू, तो क्या लिखेंगे एम सी वी डी टी, डी टी का मतलब टी थ्री माइनस टी टू, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे बेटा हीट रिजेक्शन कितना हुआ है, आप बोलोगे सर हीट रिजेक्शन भी तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हुआ है ना, इतना ही पे हुआ है ना, कितना हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कैसे लिखेंगे एम सी वी डी टी मतलब अगेन अगेन हायर माइनस लोअर टी फोर माइनस टी वन, क्या लिखेंगे टी फोर माइनस टी वन, क्लियर है। अब कोई बोले बच्चे एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, दुनिया में किसी भी चीज की एफिशिएंसी क्या होती है, आप बोलोगे सर नेटवर्क आउटपुट, नेटवर्क आउटपुट या वर्क आउटपुट कुछ भी लिख लो, वर्क आउटपुट कितना मिल रहा है अपॉन हीट सप्लाइड कितनी हुई है। आपने देखा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, किसी भी चीज की दुनिया में एफिशिएंसी क्या होती है, जो तुम्हारी चाहत होती है और उस चाहत को पाने के लिए तुम्हें जो इनपुट देना है, तुम्हारी एफिशिएंसी क्या होगी, जो तुम्हारी चाहत है, जिसके पीछे तुम लगे हो मैडम के पीछे, आउटपुट मैडम के पीछे लगे हो और मैडम के पीछे लगे हो और मैडम को पाने के लिए जो जो इनपुट खर्चा कर रहे हो, इनपुट क्या क्या दे रहे हो पता है, अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो, पढ़ाई छोड़ रहे हो, दिन भर सोशल मीडिया पर लगे हो, इनपुट आपका बहुत ज्यादा है और आउटपुट कम होगा, मैडम मिलेंगी नहीं, इनपुट ज्यादा आउटपुट कम, एफिशिएंसी जीरो हो जाएगी, अपने आप बैठे रहोगे चुपचाप, है ना, फिर से नेक्स्ट ईयर कोचिंग करोगे, ऐसा मत करो, पढ़ाई करो और कोचिंग से छुटकारा पाओ। चलिए, तो वर्क आउटपुट क्या होता है, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन, आपने देखा होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क आउटपुट मतलब आपको मैंने 100 रुपए दिए हीट एडिशन, आपने 20 रुपए खर्च कर दिए, आपने यहाँ 20 रुपए आपने बचा के रखे हैं, 100 माइनस 20 कितना डिफरेंस आया 80, उस 80 का आपने क्या किया होगा, वर्क किया होगा, 100 रुपए में से 20 रुपए बचे हैं, मतलब कितने का वर्क हुआ है 80 का, ठीक है। तो वर्क आउटपुट क्या होता है, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड मतलब हीट एडेड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एफिशिएंसी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ऑटो साइकिल, 1 माइनस दिस इज फ्रैक्शन को तोड़ दो क्या जाएगा, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एडेड। अब ध्यान से समझते जाइए, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड बच्चे क्या है एम सी वी टी थ्री माइनस टी टू, अपॉन हीट रिजेक्टेड क्या है एम सी वी, हीट एडेड, हीट रिजेक्टेड हमने लिखा एम एम सी वी टी फोर माइनस टी वन, सॉरी हीट रिजेक्टेड ऊपर है ना टी फोर माइनस टी वन, अपॉन हीट एडेड, हीट एडेड कितना है एम सी वी टी थ्री माइनस टी टू, यही तो। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, इनको उड़ा दो क्या बच जाएगा, 1 माइनस टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी टू, क्या गया एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, क्लियर। अब क्या करना है आपको, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं डिराइव कैसे करूं, इतना समझ में आ रहा है ना बेसिक, ये तो क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एफिशिएंसी लिखनी है, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एडेड, हीट रिजेक्टेड ये रहा, हीट एडेड ये रहा, दोनों वैल्यू रख दी, एमसीवी एमसीवी कट गया। अब आपको करना क्या है, देखिए टी फोर टी थ्री टी वन टी टू, एक बार 3 से 4 प्रोसेस में जाइए, एक बार 1 से 2 प्रोसेस में जाइए, एक बार 3 से 4 में जाइए, एक बार 1 से 2 में जाइए, दोनों वैल्यू निकाल लीजिए, जो इक्वेशन आएगी उठा के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, अब मैं आपको दिखा दूं एक चीज, चलिए इसको आप ऐसा करिए, इसको आप नोट ही कर लीजिए, अभी डायग्राम अगर हटा दूंगा मैं पीवी प्लॉट तो चिल्लाने लगोगे, बोलोगे सर पता नहीं कहां से लिख दिया आपने, समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूं, प्रोसेस 1 से 2 में चलता हूं, प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2 कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, क्या है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने आपको बताया था ना रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, क्या लिख सकता हूं टी वन वी वन टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू टू द पावर गामा माइनस वन, यह लिख सकता हूं। और मैंने मैंने आपको यह भी बताया है कि वी वन बाई वी टू क्या है
V1 by V2 क्या है? कंप्रेशन रेशियो। अच्छा, इस V1 by V2, V2 बराबर V3 है यहाँ पे, V2 बराबर V3 है ना यहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ भी कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब V1 बराबर V4 है। तो मैं V1 by V2 लिखूं, चाहे V1 की जगह V4 और V2 की जगह V3, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चाहे मैं V1 by V2 लिखूं, चाहे V4 by V3 लिखूं, दोनों किसके बराबर हैं? कंप्रेशन रेशियो के। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहां से लिख दिया T1 by T2, ध्यान से समझिए, इज इक्वल टू T1 by T2 इज इक्वल टू V2 by V1 टू द पावर गामा माइनस 1। अब V2 by V1 क्या है, ध्यान से देखिए, V1 by V2 क्या है? कंप्रेशन रेशियो। V2 by V1 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? क्लियर है? चलिए इसको नोट करते रहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है बच्चे? फिर मैंने क्या बताया, किस प्रोसेस में चलना है? प्रोसेस 3 to 4 में चलना है। जब प्रोसेस 3 to 4 में चलोगे, 3 to 4 अगेन क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यही तो है 3 to 4। इसके लिए भी क्वेश्चन क्या होगी? सेम, क्या होगी? T3 V3 गामा माइनस 1, T4 V4 टू द पावर गामा माइनस 1। लिख सकता हूं, मैंने आपको बताया ना एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कभी जिंदगी में भूलना मत। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, कि T4 by T3 इज इक्वल टू V3 by V4 टू द पावर गामा माइनस 1, T4 by T3 इज इक्वल टू V3 by V4 टू द पावर गामा माइनस 1। लिख सकता हूं, अब ध्यान से देखिए, V4 by V3 क्या है? R। तो V3 by V4 क्या हो जाएगा? 1 by R। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 by R टू द पावर गामा माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या मिला? T1 by T2 भी इसके बराबर है, T4 by T3 भी इसी के बराबर है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, T1 by T2 बराबर है किसके? T4 by T3 के। ध्यान से देखिए, T1 by T2 की वैल्यू भी यही है इक्वेशन नंबर 1 में, और T4 by T3 की वैल्यू भी यही है इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से T1 by T2 बराबर है T4 by T3, और ये बराबर किसके है? 1 by R टू द पावर गामा माइनस 1 के। इतना हो गया, चलिए इतना हो गया, चलिए मैं इसको हटा देता हूं। अब एक स्टेप और है, उसके बाद आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डेराइव। क्लियर? तो T1 by T2 भी किसके बराबर है? इसके। T4 by T3 भी किसके बराबर है? इसके। अब ध्यान से देखिए, आपको कौन सा टर्म ले आना है? आपको ले आना है T4 minus T1 अपॉन T3 minus T2, ये ले आना है। अब देखो इसको कैसे लिख दोगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं ध्यान से दिखा दो, दिखाता हूं आपको ध्यान से। चाहे T1 by T2 लिखो इज इक्वल टू T4 by T3 लिखो, चाहे उल्टा लिख लो, x बराबर y है, चाहे y बराबर x है, बात तो एक ही है। ऐसे भी लिख सकता हूं ना इसको, या नहीं लिख सकता हूं? अब मैं लगाता हूं अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, मैथ में कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। ये होता क्या, ध्यान से समझो, देखिए ये दो फ्रैक्शन है जिनका रेशियो बराबर है, दो भिन्न है जिनका रेशियो, जिनका अनुपात बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 20 बाई 4 कितना आएगा? 5। बराबर है 10 बाई 2 कितना आएगा? 5 इज इक्वल टू 5, यही तो आएगा 20 बाई 4, 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। दो चीजों का रेशियो बराबर है, वही चीज है। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब देखिए, अगर मैं दोनों का डिफरेंस लिखता हूं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का डिफरेंस अपॉन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा? देखिए 20 माइनस 10 दिस अपॉन 4 माइनस 2, तभी कितना आ जाएगा? 10 बाई 2, तभी कितना आ जाएगा? 5। मतलब अगर दो फ्रैक्शंस का रेशियो बराबर है, अगर मैं दोनों को डिफरेंस के फॉर्म में लिख दूं, तभी उनका डिफरेंस चेंज नहीं होगा। यही बोलता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। तो मैं क्या लिखूंगा? T4 minus T1 अपॉन T3 minus T2, रेशियो सेम रहेगा 1 by R to the power gamma minus 1। बच्चे अब इसको पूरा उठाओ और यहां पे ठोक दो,
कूड़ा उठाओ और यहाँ पे ठोक दो, क्या जाएगी एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, वन माइनस इस पूरे की जगह पे क्या लिखोगे, वन बाई आर टू द पावर गामा माइनस वन, पूरे की जगह क्या लिखोगे, वन बाई आर टू द पावर गामा माइनस वन. सो दिस इज योर एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, दिस इज योर एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल. अब आपसे पूछेगा एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड कर रही है बच्चे, कंप्रेशन रेशियो, किस पर डिपेंड कर रही है, कंप्रेशन रेशियो पे. ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि सर इस पर भी तो डिपेंड करेगी स्पेसिफिक हीट के रेशियो गामा पे. देखिए गामा पे भी डिपेंड करेगी, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल में स्टैंडर्ड फ्लूड क्या है, एयर, तो एयर का तो गामा फिक्स है ना, एयर का तो गामा फिक्स है. वेरिएबल क्या है, कंप्रेशन रेशियो वेरिएबल है, गामा तो फिक्स है, तो गामा पे भी डिपेंड करेगी, बट गामा तो फिक्स है इसलिए हम गामा को कंसिडर ही नहीं करते, किस पर डिपेंड करेगी, कंप्रेशन रेशियो पे. ठीक है, समझ आ गया. सो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल. जैसे मान लीजिए अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ दिया कि एक ऑटो साइकिल है, एक पेट्रोल इंजन है, उसका कंप्रेशन रेशियो पांच है, पांच है, उसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, कैसे निकालोगे, वन माइनस वन बाई फाइव टू द पावर गामा, गामा कितना होता है एयर का, 1.4, 1.4 माइनस 1, निकाल लो एफिशिएंसी आ जाएगी. क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए. कोई चीज समझ में आए तो पूछिए, कोई चीज समझ में आए तो पूछिए. अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछूं, आपने बहुत पढ़ लिया, मैं आपसे थोड़ा पूछ लूं, पूछूं, चलिए मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन टू बी मेड बाय मी, मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन, मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से समझा, ध्यान से समझना. ये एक ऑटो साइकिल कैसी साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल, और आपने पढ़ा है कारनॉट की थ्योरम क्या बोलती है, कि सारी रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी वर्किंग फ्लूड पे डिपेंड नहीं करती, पढ़ा है ना थर्मोडायनेमिक्स में, किस पे डिपेंड करती है बच्चे, टेम्परेचर लिमिट पे, किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर लिमिट पे. तो एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर एक बात बताइए, ये कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड कर रही है, मैंने कहा हाँ, बोला सर ये रिवर्सिबल साइकिल है, मैंने बोला हाँ, तो बोला बेटा, उसने बोला सर अगर ये रिवर्सिबल साइकिल है तो इसकी एफिशिएंसी टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड क्यों नहीं कर रही है. अब ध्यान से सुनना, अगर ये रिवर्सिबल साइकिल है तो इसकी एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करनी चाहिए, टेम्परेचर लिमिट पे अकॉर्डिंग टू कारनॉट. आप बता सकते हो कैसे प्रूफ करेंगे, क्या इसकी एफिशिएंसी टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे ही डिपेंड करेगी कारनॉट के अकॉर्डिंग. कारनॉट ने कहा है कि रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करती है, तो आप मुझे बताइए ये भी रिवर्सिबल है, इसकी एफिशिएंसी टेम्परेचर लिमिट पे ही डिपेंड करेगी या नहीं, सोचिए और आंसर बताइए. एग्जामिनर का पता नहीं है ना, एग्जामिनर तो चीर के निकाल लेगा अंदर का, जितना भी अंदर तुम्हारे ज्ञान है ना, चीर चीर के बाहर निकालेगा जब इंटरव्यू में बैठोगे तो. ठीक है, तो सारा आईसी इंजन समझते हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कोनो रीजनिंग थोड़ी है, कोई रीजनिंग थोड़ी है, रीजनिंग है या आपने बोल दिया कि सर ये तो हिंदी है, बहुत आराम से आपने पढ़ लिया, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, आईसी इंजन है, इंजन पूरे पुर्जे पुर्जे खोल देगा दिमाग के, ध्यान से समझो. ये 1/r टू द पावर गामा माइनस 1 किसके बराबर है, T4/T3 लिख लो या T1/T2 लिख लो, यही तो है, 1/r टू द पावर गामा माइनस 1 किसके बराबर है, T1/T2 के या T4/T3 के. इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 माइनस इसकी जगह मैंने ये लिख दिया T1/T2, कुछ भी लिख लो, T4/T3 लिख लो, किस पे डिपेंड किया, टेम्परेचर लिमिट पे, करना ही करना है भैया, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी भी सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे ही डिपेंड करेगी. अगर आप कंप्रेशन रेशियो की जगह टेम्परेचर का फॉर्म ले लो तो टेम्परेचर लिमिट के बीच के ऊपर ही डिपेंड करेगी, किसने कहा है, कारनॉट ने, दुनिया में सारी रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी टेम्परेचर लिमिट पे ही डिपेंड करती है, टेंशन ना लीजिए. क्लियर है, अब क्वेश्चन कैसे लगाओगे, ध्यान से सुनना, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पूछा इन एन ऑटो साइकिल ध्यान से सुनना, इन एन ऑटो साइकिल टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर कंप्रेशन, बिफोर एंड आफ्टर कंप्रेशन इज, बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन इज 300 केल्विन एंड 900 केल्विन. टेम्परेचर बिफोर कंप्रेशन कम होगा, आफ्टर कंप्रेशन ज्यादा हो जाएगा, 300 केल्विन एंड 900 केल्विन. फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो
साइकिल, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, कैसे निकालोगे? अब अगर इतना ही पढ़े हो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, बोलोगे सर हम तो कंप्रेशन रेशियो के टर्म में पढ़े हैं, अब कैसे निकालूं? अब तो मेरी जिंदगी खतरे में आ गई सर, अब कैसे निकालूं? मैं तो पढ़ाऊँ वन माइनस वन बाई आर टू द पावर गामा माइनस वन, वन माइनस वन बाई आर टू द पावर गामा माइनस वन, वन माइनस वन बाई आर टू द पावर गामा माइनस वन, मैं तो बीटेक से यही रटता आ रहा हूँ, अब ये टेम्परेचर में दे दिया ससुरा, अब कैसे निकालूं? तो पता होना चाहिए ना कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे टेम्परेचर बिफोर कंप्रेशन ये है, आफ्टर कंप्रेशन ये है, टी वन से टी टू याद है कंप्रेशन वाला कर्व, कैसे निकालोगे? वन माइनस टी वन बिफोर कंप्रेशन कितना है 300, आफ्टर कंप्रेशन कितना है 900, कितना आ जाएगा 1/3, 1 माइनस 1/3 2/3, 2/3 का मतलब कितना होता है 20/3, 2/3 कितना होता है भाई, 2/3 कितना आ जाएगा 16.67%, ये क्या हो जाएगी एफिशिएंसी, क्या हो जाएगी एफिशिएंसी, सही है गलत है सॉरी 66.67%, मैथ थोड़ी कमजोर है मेरी, ठीक है तो ये आ जाएगी एफिशिएंसी, ऐसे हम निकालेंगे। तो आज का लेक्चर खत्म हुआ किस पे, ऑटो साइकिल पे, कल मैं आपको ऑटो साइकिल के बारे में 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा और फिर शुरू करूंगा डीजल साइकिल, कल ऑटो साइकिल से क्वेश्चन, फिर डीजल साइकिल, उसके बाद डुअल साइकिल, फिर परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन, उसके बाद नॉकिंग, फोर स्ट्रोक की वर्किंग, और आपका क्रैश कोर्स आईसी इंजन का खत्म हो जाएगा, और मैं गारंटी देता हूं आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, क्लियर है? चलिए, जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में डालिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, थैंक यू सो मच।